सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मनदीप दुल। दोस्तों, गूगल फॉर्म पे टाइमर कैसे यूज करना है इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। प्रीवियस वीडियो मैंने एड ऑन शो किए थे, उसमें आप लिमिटेड रिस्पॉन्स ही रिसीव कर सकते हो, उसके बाद आपको पे करना पड़ता है। इस वीडियो में देखने वाले अनलिमिटेड रिस्पॉन्स के लिए कौन सा एड ऑन एड करना है एंड कैसे यूज करना है, ये सभी देखने के लिए बने रहे मेरे वीडियो के एंड तक। दोस्तों, सबसे पहले आपने लैपटॉप या मोबाइल का ब्राउज़र ओपन करना है एंड यहाँ पे टाइप करना है docs.google.com/forms और एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो आपके पास यहाँ पे सभी गूगल फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे जो भी आपने रिसेंटली क्रिएट किए हैं, तो आपको बॉटम पे सभी गूगल फॉर्म्स शो हो जाएंगे। एंड अगर आप न्यू गूगल फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो तो आपने यहाँ ब्लैंक पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके आप न्यू गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। एंड अगर आपको टेम्पलेट यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके टेम्पलेट यूज कर सकते हो जो प्री क्रिएटेड होते हैं। दोस्तों, अभी यहाँ पे मैं इस गूगल फॉर्म को ओपन करूंगा जो मैंने रिसेंटली क्रिएट किया था। दोस्तों, गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करना है इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं वीडियो की एंड स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दोस्तों, गूगल फॉर्म को ओपन करने के बाद या फिर गूगल फॉर्म क्रिएट करने के बाद आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन शो होगी एड ऑन की, तो आपने एड ऑन पे क्लिक करना है। एड ऑन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एड ऑन सर्च करने की ऑप्शन शो होगी, तो आपने यहाँ पे सर्च करना है टाइमर फॉर गूगल फॉर्म्स एंड एंटर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपके पास यहाँ पे एड ऑन शो हो जाएगा, तो आपने इस एड ऑन पे क्लिक करना है। एड ऑन पे क्लिक करने के बाद आपने इस एड ऑन को इंस्टॉल करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पे ईमेल आईडी के साथ इसे सिंक कर देना है। अगर आप सेम ईमेल आईडी के साथ किसी अदर पीसी में गूगल फॉर्म को ओपन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली एड ऑन एड हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे इसे सिंक करने को अलाउ कर देते हो। तो आपने यहाँ से अलाउ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, अभी ये सिंक हो गया है, उसके बाद आपने डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ क्रॉस पे क्लिक करना है। दोस्तों, क्रॉस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ एड ऑन पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे सभी एड ऑन शो हो जाएंगे जो भी आपने ऐड किए हैं। जैसे यहाँ पे शो हो रहा है टाइमर फॉर गूगल फॉर्म। दोस्तों, अगर आपके पास शो नहीं हो रहा तो आपने यहाँ से रिफ्रेश कर देना है टैब को, तो शो हो जाएगा। कई बार ये इंटरनेट कनेक्टिविटी की इशू की वजह से शो नहीं होता, तो फिर से आपने यहाँ एड ऑन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे सभी एड ऑन शो हो जाएंगे। अभी यहाँ पे मैं टाइमर फॉर गूगल फॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ, और उसके बाद आपने ओपन पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ राइट बॉटम पे फॉर्म टाइमर ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप टाइमर को हाइड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके टाइमर को हाइड कर सकते हो। अगर आप फॉर्म प्रेजेंटर को डिसेबल करना चाहते हो आप यहाँ पे क्लिक करके डिसेबल कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करके आप रिस्पॉन्स रिसीव कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप टाइमर सेट करना चाहते हो तो आपने यहाँ टाइमर पे क्लिक करना है। टाइमर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शो होगा आवर्स, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, उसके बाद मिनट्स, उसके बाद एएम पीएम। दोस्तों, यहाँ पे आपने केयरफुली वॉच करना है। जैसे अभी हम यहाँ पे 10 मिनट का टाइम सेट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे 12 सेलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपने 10 सेलेक्ट करना है, 10 सेलेक्ट कर देना है। दोस्तों, उसके बाद आपने एएम पे क्लिक करना है। अगर आप स्टार्ट डेट सेट करना चाहते हो, मींस कि इस डेट से लेके इस डेट तक बॉम का लिंक ओपन रहे, तो आप यहाँ पे क्लिक करके डेट भी सेट कर सकते हो। पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपने इसे रेट कर देना है। जैसे आप इसे रेट कर दोगे तो गूगल टाइमर को और सबमिट कर दोगे, उसके बाद आप किसी भी ऑप्शन को यूज कर सकते हो। दोस्तों, अभी यहाँ आपने स्टार्ट डेट पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे इनेबल हो जाएगी, उसके बाद आपने डेट यूज करनी है कि किस डेट से आप इनेबल करना चाहते हो एंड किस टाइम तक आप इनेबल करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हो। एंड ऐसी आप एंड डेट भी चूज कर सकते हो। अगर आप इसे डिसेबल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर डिसेबल कर सकते हो। अभी हमने यहाँ पे टाइम सेट किया 10 मिनट, तो अभी हम प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे अभी हम यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे टाइमर शो हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं एएम की बजाय यहाँ पे मैं पीएम सेट करूंगा, तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। यहाँ पे मैं एक और प्रीव्यू देखने वाला हूँ। दोस्तों, अभी यहाँ पे 12 आवर्स 10 मिनट शो हो गया। दोस्तों, अगर आप मिनट्स में करना चाहते हो
या फिर आप आवर्स में करना चाहते हो तो आपने जैसे 1 आवर एंड 10 मिनट के लिए सेट करना चाहते हो, उसके बाद आपने एएम पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे ये 1 आवर 10 मिनट के लिए सेट हो जाएगा। एंड में एएम होना कंपल्सरी है, अगर आप पीएम कर दोगे तो 12 आवर्स और ऐड हो जाएंगे। अभी हम इसे स्टूडेंट के साथ शेयर करके देखते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं फिर से टाइम कर रहा हूँ 2 मिनट का, अभी यहाँ पे मैं करूँगा 12। दोस्तों अभी यहाँ पे मैंने 2 मिनट का टाइम सेट कर दिया। 2 मिनट के टाइम को सेट करने के लिए फर्स्ट आपके पास क्लिक होना चाहिए 12 और एंड में होना चाहिए एएम, और सेंटर पे जितना भी आप टाइम सेट करना चाहते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट, कितने भी टाइम आप सेट कर सकते हो। और उसके बाद आपने साइड पे क्लिक करना है, स्टूडेंट को साथ शेयर करने के लिए आपने कॉपी लिंक पे क्लिक करना है। कॉपी लिंक पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे से किसी भी सोर्स के थ्रू सेंड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर रहा हूँ। दोस्तों अभी हम स्टूडेंट फोन से देखने वाले हैं कि स्टूडेंट ने कैसे अटेम्प्ट करना। दोस्तों अभी यहाँ पे मैं एज ए स्टूडेंट इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे स्टूडेंट इस लिंक पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट के पास ब्राउजर चूज करने की ऑप्शन आएगी। स्टूडेंट ने गूगल क्रोम ब्राउजर को चूज करना है, उसके बाद स्टूडेंट के पास टाइम शो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है 2 मिनट। आफ्टर दैट स्टूडेंट ने यहाँ पे अपना नेम एंटर करना है। दोस्तों नेम राइट करने के बाद स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही स्टूडेंट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और राइट साइड पे यहाँ पे ऑप्शन शो हो रही है टाइमर की। दोस्तों अगर यहाँ पे टाइमर जैसे 50 मिनट है, 1 आवर है या 10 मिनट है, तो आप यहाँ पे 2 मिनट का या 1 मिनट का या 5 मिनट का अलर्ट लगा सकते हो, तो आपको अलर्ट भी साथ में शो होता रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट ने यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और अगर शॉर्ट आंसर है तो स्टूडेंट यहाँ पे अपने शॉर्ट आंसर राइट करनी है। उसके बाद स्टूडेंट ने यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है क्वेश्चन गूगल फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद। दोस्तों उसके बाद स्टूडेंट ने यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर स्टूडेंट सबमिट पे क्लिक नहीं करेंगे तो अभी हम देखने वाले हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, तो थोड़े टाइम के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। दोस्तों अभी यहाँ पे मैं फिर से बैक पे क्लिक कर रहा हूँ एंड बैक पेज पे हम विजिट कर रहे हैं। दोस्तों अभी टाइम बचा है 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड एंड 0। फॉर्म टाइमर सेज टाइम इज अप। उसके बाद जैसे स्टूडेंट ओके पे क्लिक करेंगे, अगर स्टूडेंट्स ने टाइम अप हो गया। दोस्तों अगर स्टूडेंट यहाँ पे कुछ राइट करना चाहेंगे तो स्टूडेंट राइट भी कर सकते हैं, एंड जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा, और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि जो बाद में हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उसको कंसीडर करेगा या नहीं करेगा। टीचर एंड से यहाँ पे 1 रिस्पॉन्स शो हो गया। उसके बाद टीचर जैसे ही यहाँ रिस्पॉन्स शीट पे क्लिक करेंगे तब से फर्स्ट टीचर के पास शो होगा स्टूडेंट का नेम। नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे शो होगा टाइमर की स्टूडेंट ने कितने टाइम में अटेम्प्ट किया है। अगर टाइम से पहले अटेम्प्ट किया है तो यहाँ पे नॉर्मल शो हो जाएगा कि 5 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, कितने टाइम में सबमिट हुआ है। एंड अगर टाइम के बाद सबमिट किया है तो यहाँ पे शो होगा लेट, कितने टाइम के लिए लेट किया है, तो यहाँ पे साथ में शो हो जाएगा। जैसे अभी मैंने उसी टाइम अटेम्प्ट कर दिया था, तो अगर यहाँ पे मैं 2 मिनट के बाद अटेम्प्ट करता तो यहाँ पे शो हो जाता लेट 2 मिनट। आफ्टर दैट टाइम स्टैम्प, डेट एंड टाइम, कब आपने स्टार्ट किया था, आफ्टर, उसके बाद स्कोर्स, उसके बाद क्वेश्चंस यहाँ पे शो होंगे एंड उनके आंसर यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसी टाइप से सभी स्टूडेंट का यहाँ पे रिकॉर्ड शो हो जाएगा। दोस्तों इस ऐड ऑन को यूज करके आप स्टूडेंट के अनलिमिटेड रिस्पॉन्स को रिसीव कर सकते हो, आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आपकी गूगल फॉर्म या किसी अदर एजुकेशन ऐप की कोई क्वेरी है या कुछ सजेशन है तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।